हमारा कल्पनाओं का अंतरिक्ष यान विज्ञान और चमत्कार दोनों के जरिए चलता है और यह हमें स्पेस और टाइम में कहीं भी ले जा सकता है। यह प्रकाश से भी तेज चलता है और वो चीजें भी दिखा सकता है जिन्हें देखना नामुमकिन है। यह हमें उस रहस्यमय दुनिया में ले जा रहा है जो सूर्य से एक प्रकाश वर्ष दूर है। यहाँ इतनी सारी दुनियाएं कैसे हैं? क्या ऐसा दूसरे ग्रह के निवासियों की वजह से है? जी नहीं, ग्रेविटी की वजह से। ये गुजरे जमाने की बर्फ है, बर्फ और पत्थरों के तैरते पहाड़ जो सौर मंडल बनने के दौरान बचे रह गए थे। इन्हें ऑर्ट क्लाउड कहा जाता है, डच एस्ट्रोनॉमर यान ऑर्ट के नाम पर, जिन्होंने 1950 में इनके बारे में बताया था। वो एक पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। धूमकेतु कई तरीकों से खत्म हो सकता है। वो चूंकि ग्रहों के घूमने के रास्ते में आ जाते हैं, इसलिए अक्सर उनसे टकराते भी रहते हैं। धूमकेतु का ज्यादातर हिस्सा बर्फ होता है, इसलिए जितनी बार भी वो सूर्य के पास आते हैं उनका कुछ हिस्सा भाप बनकर उड़ जाता है। हजारों बार ऐसा होने पर बर्फ पूरी तरह खत्म हो जाती है और धूमकेतु एस्टेरॉयड में बदल जाते हैं। ग्रेविटी की वजह से धूमकेतु सौर मंडल से बाहर फेंक जाते हैं और अंतरिक्ष में भटकने लगते हैं। फिर भी न जाने कैसे धूमकेतु वापस आते रहते हैं। और तो दूसरे एस्ट्रोनॉमर्स के सामने सवाल था, ये सारे धूमकेतु आते कहां से हैं? ऑर्ट ने नए धूमकेतुओं के आने की रफ्तार का पता लगाकर ये दावा किया कि वो एक बड़े गोलाकार बादल की शक्ल में होंगे जो कुछ प्रकाश वर्ष दूर सूर्य को चारों ओर से घेरे होंगे। धूमकेतुओं और सौर मंडल के बारे में हमने इन दशकों के दौरान काफी नई खोजें की हैं। इसके बावजूद ऑर्ट का दावा अब भी बरकरार है, मगर ऑर्ट क्लाउड एक ऐसा नजारा है जो कभी किसी ने नहीं देखा, ना हम देख सकते हैं। इतना अंधेरा जो है, और एक धूमकेतु अपने नजदीकी धूमकेतु से उतना ही दूर है जितना पृथ्वी से शनि। मगर विज्ञान हमें अलग ही किस्म की ताकत देता है, इसी की वजह से यान ऑर्ट ये भविष्यवाणी कर पाए। ऑर्ट ने ही सबसे पहले सूर्य और हमारी गैलेक्सी के केंद्र के बीच की दूरी का सही अंदाजा लगाया था। ये एक बड़ी बात थी, इससे पता चला कि हम मिल्की वे में कहां पर हैं। हमारा तारा मिल्की वे के केंद्र से करीब 30,000 प्रकाश वर्ष दूर है। ऑर्ट ने ही सबसे पहले रेडियो टेलीस्कोप के जरिए गैलेक्सी के स्पाइरल स्ट्रक्चर को देखा था, और उन्होंने ही पता लगाया था कि हमारी गैलेक्सी के केंद्र में जबरदस्त धमाके हो रहे हैं। ये इस ओर पहला इशारा था कि वहां एक बहुत बड़ा ब्लैक होल भी बन सकता है। अजीब बात है कि हम बदनाम कातिलों को तो जानते हैं, मगर यान ऑर्ट का नाम तक नहीं सुना। कुछ कहना चाहते हैं इस बारे में?